everyone, a very good morning to all of you. Welcome back to another vlog. कैसे हैं आप सब? I hope सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे. अपना हाल चाल मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह. तो बाहर मैंने आपको मौसम दिखा दिया, बहुत ही अच्छा हो रहा है. रात में बारिश हुई थी और यहाँ पर जो है बन रही है भिंडी की सब्ज़ी, बन ही चुकी है. और इधर मैंने तवा चढ़ा दिया है, मैं बनाने वाली हूँ चपातियाँ. और टाइम की अगर बात करें तो 9:30 का टाइम हो रहा है. और सुबह सुबह जो है मैंने लगा दी है मशीन, क्योंकि कपड़े जो है बहुत सारे तो नहीं थे, लेकिन हाँ ठीक है. इधर से बेडशीट वगैरह भी निकाली है और अभी डाल दिए हैं. आधा घंटा बोल रही हूँ, एक वो हो गया है इसको, मतलब 15 मिनट में चलती है ना मशीन. एक बार राउंड हो चुके हैं ये, उसके बाद थोड़ा सा इनको मैं और घुमा लूँगी और मैं बनाऊँगी चपातियाँ. हस्बैंड चले गए हैं शॉप और बच्चे हैं नहीं. आज लावण्या आएगी तो घर का जो काम है वो जल्दी जल्दी हो जाता है. ऐसा होता ही है जब बच्चे हो ना, तो काम बढ़ता रहता है. तो यहाँ पर अभी मैंने ये सब्जी कट की थी ना, तो बस खाना बनाऊंगी फटाक से और अभी चपातियाँ बना लेती हूँ. उतनी देर हस्बैंड आ जाएंगे, क्योंकि हस्बैंड को मैंने इधर ही बुला लिया है, दूध भी वो लेकर आएंगे. तो बस फिर हम करेंगे ब्रेकफास्ट और उसके बाद मैं धोने वाली हूँ आज कपड़ों का ढेर. ये है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बस यही है. एक बार मैं डाल दिए हैं, दूसरी बार वाले जो हैं वो डालने बाकी हैं. और मौसम की वजह से ना ऐसा ही रहता है, सीलन सीलन. आजकल काफ़ी दिन हो गए हैं धूप नहीं निकली है, बहुत सारे दिन हो गए हैं धूप ही नहीं निकली है. और देखते हैं आज क्या होता है क्या नहीं. सोच रही हूँ सफाई वगैरह कर दूँ. और लावण्या का बैग भी मुझे धोना था, लेकिन नहीं धोऊँगी क्योंकि मौसम ऐसा ही लग रहा है. ऐसा ना हो फिर सीलन रह जाए, गीला ही रह जाए और फिर कल जाना है उसे स्कूल. और देखो अब 1 महीने के बाद पूरे बच्चे स्कूल जाएंगे, तो एक्साइटेड भी है. आज वो आ जाएगी, आज है संडे तो वो अपने मामू के साथ आएगी. मैं भी शाम के टाइम आएगी या लंच के बाद आएगी, मैंने अभी कॉल नहीं किया. तो बस वो है, फिर उसका थोड़ा बहुत होमवर्क है वो कर लेगी अपना, बाकी तो उसने कंप्लीट कर लिया था. और फिर उसकी तैयारी करानी पड़ेगी और कल से जो है गाड़ी फिर से आ जाएगी ट्रैक पे, क्योंकि आजकल ऐसा था कभी हम लोग 8 बजे सोकर उठ रहे हैं, कभी हम लोग 7:30 उठ रहे हैं और कभी हम 8:30 उठ रहे हैं. तो काम कुछ नहीं रहता ना इस वजह से. तो अब जो है कल से प्रॉपर टाइम के उठना पड़ेगा और लावण्या को स्कूल छोड़ने जाना पड़ेगा और उसके बाद मुझे शॉप भी जाना है. आज हस्बैंड बोल रहे थे शॉप जाने को, आजकल मैं शॉप जा रही हूँ, लेकिन आज फिर मैं नहीं गई, मैंने मना कर दिया. मैंने बोला नहीं, सफाई वगैरह तो हो गई है, थोड़ा सा सामान लगाना रहता है. तो आप देखते हैं कल से मैं कंटिन्यू करूँगी शॉप जाना थोड़ी थोड़ी देर के लिए, जब लावण्या यहाँ पर नहीं होगी. लावण्या स्कूल जाएगी तो थोड़ा सा ना टाइम सेट करना पड़ेगा कि क्या कब करना है उस हिसाब से. तो उसकी छुट्टी से पहले फिर घर आना पड़ता है, लंच की भी प्रेपरेशन रहती है. तो वो सब क्या है आज देखेंगे शाम में. और बस यही था. तो चलिए मैं चलती हूँ किचन में. मैंने सोचा व्लॉग बनाना स्टार्ट कर देती हूँ. बहुत सारे कमेंट थे कि मोनिका जी डेली व्लॉग हम मिस कर रहे हैं. तो मैंने कहा चलो भैया शादी भी हो गई और सब कुछ हो गया, घूमना वूमना अब आ जाते हैं अपने डेली रूटीन पे और शुरू करते हैं अपना काम. और हाथ दुख रहा है मेरा फ़ोन पकड़ के, इसलिए हिल रहा है बार बार. तो चलिए फटाफट से चपाती बनाती हूँ. तो यहाँ पर मैं लग गई हूँ चपातियाँ बनाने. सब्जी जो है वो बन चुकी है और आप यकीन नहीं करोगे, ये सब्जी ना शाम तक बची थी. और इससे पहले दिन जो मैंने खाना बनाया था, पनीर बनाया था, वो भी सुबह से लेकर रात तक चला था और नेक्स्ट डे के लिए भी बच गया था. क्योंकि जब बच्चे घर में नहीं होते ना तो खाने का मन ही नहीं करता है. तो लावण्या के बिना तो वैसे ही सूना सूना लगता है, लेकिन अब सूजल जब हमें पता है कि दूर चला गया है, तो उस वजह से भी हम लोगों का मन जो है वो अच्छे से अभी नहीं लग पा रहा है. कुछ दिन थोड़ा मुश्किल होगा उसके बिना रहना. और लावण्या आ जाती है तो फिर उसके साथ फिर मन इधर उधर भटक ही जाता है. तो हम लोग खाना बनाते हैं, चपातियाँ बनाती हूँ और वो वैसे की वैसी रख जाती है. एक दो चपाती वो खाते हैं, एक दो मैं खा लेती हूँ. तो बस यहाँ पर जो मैंने चपातियाँ बनाई थी ना, ये भी बच गई थी.
तो चपातियाँ मैंने बना ली है, हस्बैंड आ गए थे और उसके बाद हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है। अब जो है कपड़े मैं निकाल रही हूँ मशीन से, एक बार के मैं बाहर ले जा चुकी हूँ और दूसरी मतलब सेकंड टाइम मैं ये बाहर लेकर जा रही हूँ। लेकिन बाहर मौसम जो है ना वो बार बार ख़राब हो रहा था, कभी अंदर कपड़े लेकर आ रहे हैं कभी बाहर लेकर जा रहे हैं। तो अभी मुझे लग रहा था बारिश होने वाली है लेकिन मैंने फिर भी डाल दिए क्योंकि मशीन में भी गीले गीले रहते हैं, एक धूप लग जाए हल्की सी फिर कपड़े सही हो जाते हैं। लेकिन आज धूप का नामो निशान नहीं है, 2-3 दिन हो गए हैं जैसा मैंने आपको बताया, धूप लग ही नहीं रही है। तो मैंने कहा चलो फिर भी डाल देते हैं, हवा से भी कई बार सूख जाते हैं। तो इस तरफ को मैंने पहले, दूसरी तरफ को मैंने पहले डाले थे, अभी इधर डाल दिए थे। थोड़ी देर बाद सासू माँ भी कपड़े धोकर बाहर ले आई थी, तो मतलब पूरे घर में कपड़े ही कपड़े हो रहे थे और सभी के घरों में आज के कपड़े ही कपड़े निकल रहे हैं। और लोग जो है ना वो अब आ रहे हैं क्योंकि कल से खुल रहे हैं स्कूल, तो सभी लोग आज आ गए हैं, अपने घर में सफाई वगैरह कर रहे हैं, कपड़े वगैरह धो रहे हैं। तो जी ये देख सकते हैं आप, कपड़े मुझे इधर लाने पड़े और ये वाले तो मैंने अभी बाहर डाले ही नहीं हैं क्योंकि थोड़ी देर मैंने कपड़े बाहर डाले थे और बाहर हो गई ज़ोरदार बारिश। ये देख सकते हैं आप, तो सारे कपड़े जो है वो मुझे ले जाने पड़े अंदर और काफ़ी देर होगी बारिश को लग के, बारीक बारीक बारिश हो रही है। और ये देखो घास वगैरह आजकल कितनी लंबी लंबी हो जाती है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है लेकिन रोज़ रोज़ भी ये बारिश जो है ना परेशान कर देती है, सीलन सीलन हो जाती है, कपड़े वगैरह नहीं सूखते हैं। तो अभी जो है 1:30 बज चुके हैं, हस्बैंड आ गए हैं लंच करने और लास्ट वाले कपड़े रह गए हैं मेरे, क्योंकि बीच में लाइट चली गई थी ना, लाइट चली जाती है तो फिर ये मशीन वाला काम रुक जाता है। तो मैंने और काम किए अपने, और भाई का फ़ोन आया था, वो भी आने वाला है लंच के बाद, वो चलेगा वहाँ से लंच करके निकलेगा वो भी ड्यूटी के लिए क्योंकि आज संडे है। वो पिछले संडे उसने ज्वाइन कर दिया, पिछले मंडे उसने ज्वाइन कर दिया था लेकिन उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो फिर वो दोबारा से छुट्टी लेकर घर आ गया था। अभी प्रॉपर रेस्ट करके आजकल उसकी तबीयत ठीक है, अब आज जा रहा है वो, दिव्या नहीं जा रही है क्योंकि दादी बीमार है ना, तो घर में दादी के पास मिलने बहुत लोग आते रहते हैं और फिर दादी जो है वो मम्मी को छोड़ नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है। दादी मतलब मम्मी की, दादी की नज़रों के पास ही मम्मी होने चाहिए, चाहे वो वॉशरूम जाते हैं चाहे कहीं भी जाते हैं, दादी छोड़ते ही नहीं है मम्मी को, नहीं तो रोने लग जाते हैं दादी। तो इस वजह से दिव्या अभी नहीं जाएगी, बस दादी ठीक हो जाए फिर, वैसे तो वो ठीक ही हैं लेकिन बस वही वीकनेस है, कुछ और पता ही नहीं लगता है। जब मैं परसों आई ना तब भी दादी बहुत रोए, बहुत ज़्यादा रोए दादी, पता नहीं क्यों। दादी बोल रहे थे कि मुझे मनु का बहुत बुरा लग रहा है, मनु जा रही है। तो एक दिन तो उन्होंने मुझे रोक लिया था लेकिन दूसरे दिन तो फिर मुझे आना ही था, लेकिन रोए वो बहुत ज़्यादा। तो जी चलो चलते हैं अंदर, कपड़े हो गए, ये मैंने लास्ट में डाल रखे हैं, ये भी हो चुके हैं और यहाँ पर ये सामान मैं अभी लगाने लगी थी तो अभी मैंने यहाँ रख दिया, अंदर से लेकर आई थी मैं। और ये देखो ये आकर सो भी गए, इनको मस्त वाली नींद आ जाती है दिन में, मुझे नहीं आती, मुझे बहुत रेयर ऐसा होता है कि नींद आती है, तो ये हमेशा आते हैं जब भी सो जाते हैं आकर थोड़ी देर। तो लंच अभी नहीं किया है, बस वही चपातियाँ बनाऊँगी मैं क्योंकि सब्जी सुबह की रखी है, वही बहुत सारी रखी है, सुबह हम दोनों ने ही थोड़ा थोड़ा सा खाना खाया था और अभी मैं दोबारा से बनाऊँगी चपातियाँ, आटा मैंने गूंथ दिया था। तो बस मैं इन कपड़ों का वेट कर रही थी और ये हो जाए उसके बाद मैं जाती हूँ किचन में, फिर इनको उठाती हूँ। तो जी आ चुकी है लावण्या। हेलो लावण्या, कैसे हो? अच्छा ऐसा मुँह क्यों, अच्छे से हेलो करो ना। आपने मामा पापा को मिस नहीं किया? हाँ तो नहीं काटूँ क्या? नहीं काटूँ, पीछे हो जाओ, बैक साइड हो जाओ। तो इसके बाल ना लड़की के बहुत ज़्यादा घने हैं और अभी ये संभाल नहीं पाती है, इतना रोती है ये लड़की। तो इसकी मामी ने बहुत अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाया था अभी। कौन आया था आपको छोड़ने? तो स्कूल जाते हुए ना सुबह हमेशा बहुत दिक्कत होती है, एक तो फिर रोज़ अच्छे से धो नहीं पाते, धोते हैं तो फिर सूखते नहीं है और सर्दियों में भी मुश्किल, गर्मियों में भी फिर खारिश हो जाती है, पसीना आता है। तो इसने हाथ में चोट सी लगी है। तो भाई आया था, नीचे नहीं आया, वो ऊपर से ही निकल गया। तो इसको इतना प्यारा हेयर स्टाइल बनाया था, अभी मैंने वो निकाला है, अब मैं इसकी कटिंग करने जा रही हूँ क्योंकि इसके बाल जो है वो बहुत रोती है, ये बहुत पतले पतले बाल है ना, ग्रोथ तो अच्छी है लेकिन बाल जो हैं वो पतले हैं, उलझते हैं बहुत ज़्यादा। तो फिर अभी
है, बड़ी माँ होके जब संभाल पतले लेगी, नहीं मोटे मोटे। संभाल लेगी तब रखेंगे। अभी मैं काटती रहती हूँ, अभी मैंने काफ़ी उससे लंबे रखे थे लेकिन बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं और फिर ये रोती है बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा चलो फटाफट से इसके बाल काट देती हूँ। टाइम हो रहा है 8 बजे का और यहाँ पर मैंने बनाई है आलू न्यूट्री की सब्जी। इसमें भी प्रेशर है और थोड़ी सी भिंडी की सब्जी रखी हुई है। आज मैंने फ्रिज में नहीं रखी क्योंकि ख़राब नहीं होती है फ्रिज में, और सॉरी बाहर ख़राब नहीं होती है। तो अभी मशीन वगैरह मैं यहाँ से ले गई हूँ, यहाँ मैंने पोछा लगा दिया है। और ये रही हमारी लावण्या और ये रहे इसके बाल। अब ठीक हो आपके गए, 10 मिनट और फिर नीचे गिर गई। कोई बात नहीं। और ये प्लीज कर रही है देखो, अपना होमवर्क, नीचे देखो, नीचे कोई बात नहीं, रहने दो देखो। रहने दो, उठा के फेंक दूंगी मैं। तो आलू न्यूट्री मैंने बनाई है, साथ में मैं बनाऊंगी चावल। आटा तो रखा है मेरे पास प्लीज गूंथा हुआ, प्लीज चपाती प्लीज देखती हूँ प्लीज खानी होगी किसी को। ये लावण्या तो खाती नहीं है चपाती, और किसके साथ आलू न्यूट्री, दही भी है, मैंने कल दही जमा रखी है लेकिन रात में नहीं खाते दही। रायता बनाएंगे कल, बूंदी लाएंगे ना, बूंदी मेरे पास खत्म हो गई, बूंदी रखी थी। आज नहीं बनाएंगे, अब आप पढ़ो और मेरे को चावल बनाने, बस प्रेशर डाउन हो जाए ना उससे। खीरे तो मंगवा लो पापा से। है बेटा खीरे है, परसों के लेकर आए हैं हम लोग खीरे, लेकिन खा नहीं पाए, भूल जाते हैं, हम दो ही थे ना। तो बस अब इसका बैग वगैरह मैंने पैक करने को बोला, लेकिन ये अपना थोड़ा सा होमवर्क रह गया था वो कर रही है अंदर, और बचा कुछ अपना काम करती हूँ। उसके बाद इसका बैग पैक करवा के जल्दी सुलाना पड़ेगा, नहीं तो सुबह कितने बजे उठती है सुबह आजकल? 8-8 बजे उठ रही है सुबह, तो सुबह 8:30 स्कूल निकलना पड़ेगा। तो इसकी ड्रेस वगैरह है ना, वो भी मैं अभी प्रेस अब करके जल्दी रख हो दूंगी, जाएगा क्योंकि क्योंकि सुबह का कोई पता नहीं है, लाइट भी जाती रहती है। ये है हमारा खाना, आलू न्यूट्री की सब्जी, चावल, चपाती, और ये रही लावण्या, इसकी बस फेवरेट। मेरे ये हाथ में नहीं लगना चाहिए तो राइट हैंड से खाना है, आपने लेफ्ट हैंड से थोड़ी खाना है। तरी। बस ऐसे हुआ कि कोई खा ले वहां से इस पे गिर जाए। ऐसे कैसे गिरेगा? देखो ऐसे मैंने कहा यहाँ रखाओ यहाँ वो साथ को रखो। अच्छे से रखो ना, तब ऐसा नहीं होगा। हम लोग खा रहे हैं खाना, हस्बैंड को अभी नहीं खाना, इन्होंने बोला मैं 10-15 मिनट से खाऊंगा, ये पीछे बैठकर अपना न्यूज़ सुन रहे हैं फ़ोन में, और चाय अभी पी है इन्होंने। तो मैंने कहा चलो हम लोग खा लेते हैं, लवने को जल्दी सुलाना है ना। खा ले, अब टेस्ट तो कर ले कैसा लगा, बहुत दिनों के बाद मम्मा के हाथ का खाना। और आज चावल जो है ना, मैंने जीरे वाले चावल बनाए हैं। जीरी मारी वो भी तो अंदर गया भी नहीं। तो टेस्ट करके जो तो। तो चलिए हम लोग खाते हैं अब खाना। ठीक करो, नीचे करो, सो जाओ, करो सो जाओ, चलो गुड नाइट। गुड नाइट। मदद तो हो जाएगा इसको ना, किसी कीड़े ने काट लिया शायद। लावण्या को किसी कीड़े ने काट लिया मुझे लग रहा है उसको। कौन सी कीड़े ने मुझे काटा? ना ऑयलिंग भी करनी थी लावण्या, तेल लगाना था। ये वाला जो कलर किया है ना बालों में इस बार, वो हाइलाइट्स हटा दिए थे मैंने, ये कलर कुछ ऐसा लग रहा है अजीब सा ही, ब्लैक, ज़्यादा ब्लैक लग रहा है। वैसे मेरे बालों का जो कलर है वो ब्राउन सा है, ऐसा ब्लैक कलर नहीं है मेरे बालों का, ये चॉकलेट ब्राउन कलर है। छुजाव। और ये मेहंदी जो है ना आज आज निकल रही है, अब मेहंदियों में केमिकल आता है, ये देखिए ऐसे पपड़ियाँ पपड़ियाँ से निकल जाती है, कैसी? बड़ी गंदी लगती है जब ये मेहंदी जाती है ना, देखो बाहर से नहीं जा रही अंदर से जा रही है, अंदर से जा रही है, जैसे वो छापे वाले नहीं लगाते थे मामी राजस्थान लगाई में। ना ये आपको? मामी ने लगाई है, बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है दिव्या ने। किधर? तो 1-2 दिन के बाद आएगी दिव्या भी इधर, इधर जितनागर? क्यों? रामपुर जाएंगे ना, मैं तब भी जाऊंगी। स्कूल नहीं पढ़ना रामपुर, बताओ ना तो आप स्कूल गए होंगे तब, क्यों? कितनी तारीख है परसों? देखेंगे। अभी नहीं बोला ऐसा, नानी ने बोला था कि 1-2 दिन के बाद आएंगे, मैं तो भी जाऊंगी तब तो। देखते हैं। दिव्या नानी मम्मी और दादी के साथ कोई आएगी मार्केट,
यहाँ तो नहीं आएंगे, मतलब यहाँ तो थोड़ी देर को ही आएंगे, रात में वापस चले जाएंगे। दादी की दवाइयाँ भी है कुछ, और दिव्या के कपड़े भी और सिलने को देने थे दो तीन, वो तो फिर उस वजह से आएंगे, और थोड़ा बहुत सामान होगा ऐसा बोल रहे थे मम्मी। अब देखो कब आते हैं वो नहीं पता। तो चलिए टाइम हो चुका है पौने पट्टी दस खोलो, का, और अब मैं पट्टी इसको सुला देती हूँ। पट्टी ला दे, प्लास्टर चिपका रखा है। किससे लगाया है, मामी ने? कहाँ से लेके आई मामी ये? उनके बैग में है। अच्छा, एक प्लास्टर का वो नहीं मिलता है, एक पैक कहाँ कट लगा था दिखा, दर्द हो रही है इसमें, कहाँ है ये कट लगा है भाई लावण्या के? नहीं दिख रहा है। चिपक भी गया अब। चिपनी रहा, देखो दर्द हो रही है इसमें हो जाएगा, ये जलन, ठीक हो जाएगा, हो इसलिए जाएगा। इसमें सुबह बैंडेज लगाने को बोला, उसमें वो भी होता है ना। अभी मैंने इसके एक गुत कर दी, देखा तो अपने गुत, इसको गुस्सा आ रहा है। ये है लावण्या, खड़ी हो तो, ये है लावण्या की छोटी सी पोनी टेल। मुझे नहीं दिख रही, मुझे भी तो दिखाओ कैसी है। ऐसी है, ऐसी। तो इसको बहुत गुस्सा आ रहा है, बोल रही थी मम्मा मेरे बाल आपने इतने काट दिए तो। मेरे बाल इतने थे ना, तो मैंने इनको बोला थी यहाँ तक करना, इन्होंने यहाँ तक कर दिए। बेटे सुबह आप ही को होगा, कितना रोते हो आप सुबह कंघी करते हुए, तो अब आप ही को आसान हो जाएगा, अब आप खुद भी नहा सकते हो, मैं तो खुद बाल ना करूंगी ही कंघी, अच्छे मैं खुद से। करूंगी अब तो कंघी। हाँ ठीक है, खुद करना, चलो अब सो जाओ। मैं कल तो बाल, कल मैं सारा हेयर काम वाम कट, हो गया है, बर्तन वर्तन धो दिए हैं, एक दो बर्तन रह गए, मतलब कढ़ाई रह गई है एक खाली की थी, और बस वही रह गई है, कोनी मैंने धोई क्योंकि हस्बैंड ने लेट खाना खाया था, और थाली वगैरह इन्होंने अपनी धो दी। इसका बैग मैंने पैक करवा लिया है, ड्रेस मैंने नहीं निकाली, अब मैं ड्रेस निकाल देती हूँ, मैं भूल गई थी। और सुबह उठ के फिर ये जाएगी स्कूल। कर मैं रहा है जा मन रही हूँ। जाने का कि नहीं नहीं कर रहा मन जाने का? कर रहा है स्कूल जाने का मन कि नहीं कर रहा है? मन करता है ना, जो टीचर्स लिखाते हैं ना फिर में, उसमें आता है मजा बार बार लिखने ठीक। में, हिंदी में तो ही मतलब। चलिए इसके साथ, अब इसी के साथ इस वीडियो का एंड हम यहीं करते हैं, और आपसे मिलते हैं एक न्यू अच्छे से ब्लॉग के साथ। आज का दिन ऐसा ही था, बस बारिश बारिश ने जो है वो सारा काम खराब किया। कपड़े अभी गीले गीले मैं अंदर लेकर आ गई हूँ, मतलब वैसे गीले नहीं है, सीलन से, सीलन सी है कपड़ों में, पूरे नहीं सूखे हैं, और बाहर जगह भी नहीं थी। कुछ कपड़े जो लास्ट में तीन जीन्स थी वो हस्बैंड की, वो वैसे ही रख दी है, वो अभी नहीं डाली है, तो वो मैं सुबह डालूंगी। देखो कल अब धूप लगती है कि मौसम ख़राब रहता है, कपड़ों का बड़ा झंझट रहता है सर्दियों में ना। एक बेडशीट है वो भी मैंने बाहर नहीं डाली, यहाँ बाल लगा हुआ है, रुक जा, ये देख मेरे बाल खींच खींच के तोड़ रही है लड़की। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप लोगों को किसी भी रीज़न पर वीडियो अच्छा लगा होगा, और शेयर कीजिएगा शेयर शेयर मैंने बना दिया, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जिससे तो चलिए फिर सबसे मिलते हैं एक न्यू अच्छे से वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।